हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राकेश कुमार एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्टिविटी। हालांकि वह शर्मिला है, उसने शानदार प्रेजेंटेशन दी। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स, दो ही इज शाय ही गेव ए ग्रेट प्रेजेंटेशन। हालांकि वह शर्मिला है, उसने शानदार प्रेजेंटेशन दी। दो का यहाँ पर अर्थ है हालांकि और शाय का अर्थ होता है शर्मिला। कल राहुल से प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया था। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स, यस्टरडे राहुल वाज आस्केड टू गिव ए प्रेजेंटेशन। कल राहुल से प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यस्टरडे को हम या तो सेंटेंस के एंड में भी रख सकते हैं या सेंटेंस के स्टार्ट में भी रख सकते हैं। तो दोनों केसेस में सेंटेंस सही होगा। राहुल वाज आस्केड टू गिव ए प्रेजेंटेशन यस्टरडे, और यस्टरडे राहुल वाज आस्केड टू गिव ए प्रेजेंटेशन। तो दोनों केसेस में यह सेंटेंस सही होगा। कल उसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स, ही डिलीवर्ड प्रेजेंटेशन वेरी गुड यस्टरडे। कल उसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। इसको फ्रेंड्स हम ऐसे ही बोल सकते हैं, यस्टरडे ही डिलीवर्ड प्रेजेंटेशन वेरी गुड। कल उसने अपनी प्रेजेंटेशन से सबको हिला के रख दिया। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, यस्टरडे ही शुक एवरीवन अप विद हिज प्रेजेंटेशन। कल उसने अपनी प्रेजेंटेशन से सबको हिला के रख दिया। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहां पर भी हम यस्टरडे को सेंटेंस के लास्ट में ले जा सकते हैं या सेंटेंस के पहले भी रख सकते हैं। तो दोनों केसेस में सेंटेंस सही होगा। तो यहां पर देखिए, सुकअप एक फ्रेज है जिसका अर्थ है हिला देना, हिला के रख देना। तो ही सुक एवरीवन अप, इसको हम ही सुक अप एवरीवन ऐसे बोल सकते हैं। उस केस में भी सेंटेंस सही होगा। वह प्रेजेंटेशन देते समय काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स, ही अपीयर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंट वाइल गिविंग द प्रेजेंटेशन। वह प्रेजेंटेशन देते समय काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर वाइल क्या है, कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ही अपीयर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंट और गिविंग द प्रेजेंटेशन, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। और इसी बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स, एंड दिस इज वॉट सरप्राइज मी द मोस्ट। और इसी बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। सरप्राइज का यहां पर अर्थ है हैरान करना, परेशान करना। उसे लड़कियों से बात करने में काफी शर्म आती है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स, ही यूज्ड टू फील क्वाइट शाय वाइल टॉकिंग टू गर्ल्स। उसे लड़कियों से बात करने में काफी शर्म आती है। तो यूज्ड टू पास्ट सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है, मतलब शुरू से उसको लड़कियों से बात करने में काफी शर्म आती है। मतलब हैबिचुअल जो चीजें होती हैं, पास्ट हैबिचुअल, उनके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। उसने अपने आप को पहले के मुकाबले काफी बदल लिया। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स,
ही हैज मेड ए सिग्निफिकेंट चेंज इन हिमसेल्फ एज कम्पेयर टू बिफोर। एज कम्पेयर टू बिफोर का मतलब है पहले के मुकाबले, सिग्निफिकेंट मतलब होता है पर्याप्त, काफी मात्रा में, चेंज मतलब बदल लिया। ही हैज मेड ए सिग्निफिकेंट चेंज इन हिमसेल्फ एज कम्पेयर टू बिफोर, उसने अपने आप को पहले के मुकाबले काफी बदल लिया। देखिए हैज हैव के बाद हमेशा मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पर देखिए मेड क्या है, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हैज हैव के बाद। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।